एक समय था जब भारत विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। भारत को पूरी तरह से शाकाहारियों का देश कहा जाता था और भारत के लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता था। दुनिया मानती थी कि भारत के लोग बहुत ही मासूम, विनम्र और दयावान होते हैं और पूरी दुनिया उस समय मानती थी कि भारत के लोग जिंदा रहने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं। लेकिन आज भारत में उल्टी गंगा बह रही है, जहाँ दुनिया साकार की तरफ बढ़ रही है, भारत मांसाहार की ओर बढ़ रही है। और साकार की तरफ क्यों बढ़ रही है ये आपको पता ही है। आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि उन लोगों की आज आंखें खोलना बहुत जरूरी है जो साकार से मांसाहार बनते जा रहे हैं। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि दुनिया को बचाना है तो मांसाहार का संहार करना होगा, यानी मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि मांसाहार हमारी पृथ्वी को कैसे बीमार कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मांसाहार कैसे जिम्मेदार है। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हिंदुओं को क्या हो गया है, हिंदू कभी मांसाहार थे ही नहीं, लेकिन आज हिंदू भी मांस खाने को आधुनिकता, संपन्नता और अपना आहार चुनने की स्वतंत्रता से जोड़ने लगे। पिछले कुछ वर्षों में हुए सर्वे में यही बताते हैं कि भारत का एक शाकाहारी देश होना मिथिक बनता जा रहा है, यानी भारत को आने वाले कुछ समय में शाकाहारियों का देश नहीं कहा जाएगा। भारत में शाकाहारियों का प्रतिशत 35% से भी नीचे आ चुका है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मांस खाना छोड़ दो, बेचारे जीव जंतुओं को मत मारो, जीव पर दया करो, तो आप लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस लोग वीडियो को उस समय देखेंगे नहीं, वीडियो को काट देंगे कि ये ज्ञान दे रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही एडवांस बन गए, ज्ञान सुनने की आदत आपको है ही नहीं। अब अगर आपको ये कहूँ कि मांसाहार रोग का घर है और मांसाहार से इतनी बीमारियां होती हैं और अभी जो वर्तमान में जो वायरस आया है ये मांसाहार के परिणाम है, तो उस समय आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप उस समय मांस खाना छोड़ दो, क्योंकि आपकी खुद की जान पे आपत आई है, आपको अब आपकी जान बचाना है इसलिए आप छोड़ दोगे, लेकिन आपको जीव जंतुओं पर दया नहीं करना है। कुल मिलाकर जब अपनी जान पे आपत होती है तो आप कुछ भी चीज छोड़ने के लिए तैयार हो। कई बार मेरे सामने ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसमें जानवरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनके पैर तोड़ दिए जाते हैं, थोड़ी सी जगह पर 20 से 30 जानवर भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं और हाथ पैर टूटे हुए, पता नहीं कितना दिनों से भूखे प्यासे पड़े हैं, और गाय के पैर तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह हिंदुओं की माता है, वीडियो बना रहे हैं उसका, और दुश्मनी किसी की और परेशान किस जानवर को कर रहा है। उस जानवर को कोई मतलब ही नहीं, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन परेशान जानवर हो रहा है। परेशान क्या, सोचो उसको कितनी तकलीफ में है। उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी दया कर लो। इन जानवरों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बोल नहीं सकते कि हमें दर्द हो रहा है। जितनी चोट से दर्द आपको हो रहा है उतना ही दर्द इनको हो रहा है। मांसाहारी मांसाहारियों का मांस कभी नहीं खाते, कुछ लोग खाते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि मांसाहारी मांसाहारियों का मांस नहीं खाते, मांसाहारी शाकाहारियों का मांस खाते हैं। फिर भी आज शाकाहारी जीव जंतुओं की आबादी विलुप्त नहीं हुई है, जबकि मांसाहारी जीव जंतु पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। मांसाहारियों की भूख मिटाने के लिए जुगाली करने वाले जिन पशुओं को पाला जाता है, वास्तव में वे सभी घास पात खाने वाले शाकाहारी हैं। वे अपने शरीर में अधिकांश उन्हीं शाकाहारी चीजों को मांस में बदलते हैं जिन्हें अंशतः हम भी खाते हैं, यानी हम और अधिक ऊर्जा, श्रम संसाधन का समय लगाकर मांस के रूप में कुल मिलाकर वही चीजें खा रहे हैं जिन्हें हम इन सारे झमेले के बिना शाकाहारी के रूप में सीधे सीधे खा सकते हैं। उससे ऊर्जा और संसाधन और श्रम की बर्बादी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं कुछ इमेज दिखाऊंगा जिसमें जानवरों को बुरी तरह से किस तरह परेशान किया जाता है और इंसान के मन में मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, आप सारी मानवता घिरी हुई दिखाऊंगा उसमें आपको मैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।